नमस्कार किसान साथियों, आज का अपना टॉपिक है गेहूं के अंदर पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई से कितने दिन पहले हमें गेहूं के अंदर उगने वाले जो खरपतवार है उनकी रोकथाम के लिए कौन से जो हमारे खरपतवार नाशी है उन्हें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जिस किसान ने अक्टूबर के महीने में गेहूँ की बिजाई की है वो किसान साथी अपना जो पहला पानी है वो करीबन 22 से लेके 24 दिन के आसपास उसे जो पहली सिंचाई है वो करनी चाहिए। जिस किसान साथी ने नवंबर के महीने में गेहूं की बिजाई की है वो किसान साथी 28 से लेके 30 दिन के आसपास जो अपनी गेहूं की पहली सिंचाई है वो कर सकते हैं। किसान साथियों, जिस किसान के यहाँ रेतीली मिट्टी है और उस किसान ने नवंबर के महीने में बिजाई की है तो वो किसान भी अपना 24 से लेके 25 दिन के आसपास जो पहली सिंचाई है वो कर सकता है। पहली सिंचाई के अंदर आपको कौन से जो खाद है वो यूज़ करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। किसान साथियों, जिस भी किसान ने अपनी पहले सल्फ़र वगैरह या जिंक वगैरह यूज़ कर लिए बिजाई के टाइम तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है पानी के अंदर सल्फ़र वगैरह डालने की। जिस किसान ने नहीं भी यूज की उसे भी कोई ज़रूरत नहीं है जिंक और सल्फ़र डालने की। किसान साथियों, जिस टाइम आप खेत के अंदर पानी लगा रहे हो आपको पता कि मेरी जो पानी की बारी है वो करीबन 8 घंटे की है, तो उस हिसाब से देख लेना कि आप मेरी 1 एकड़ के अंदर पानी लगेगा या 1.5 एकड़ के अंदर पानी लगेगा, तो उस हिसाब से आप 1 से लेकर 2 घंटे पहले आप जो यूरिया का छिड़काव हुआ है प्रति एकड़ 1 बैग जो यूरिया है आप पहले डाल सकते हो पानी लगाने से पहले। उसके 2 या 3 घंटे बाद आप पानी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें जो खरपतवार है उसकी रोकथाम किस हिसाब से करनी है। किसान साथियों, पानी लगाने से पहले यानी कि सिंचाई से पहले करीबन 4 या 5 दिन पहले आपको जो खरपतवार नाशी यूज़ करना है वो अपना पहला आता है लीडर जो दवाई है सल्फोसिल्फोन जो टेक्निकल है 75 WP, वो आपको करीबन 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। उसके साथ में एक चिपको आता है, उसको भी आप गर्म पानी के अंदर आपको जो है लीटर दवाई है वो घोलनी है, मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो, जो नॉर्मल पानी है उस पानी में आपको पहले जो लीटर दवाई जो पुड़ी आती है उसको घोलना है। उसके बाद में इसके अंदर एक सोल्यूशन अलग से आता है वो उसके अंदर डालना है। करीबन 150 लीटर 1 एकड़ के अंदर जो पानी है वो आपका सफिशेंट रहेगा। कुछ एक किसान साथी यहाँ पे पूछ रहे थे कि हम क्या आइसोप्रोटोन को यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निकल आता है हर्बिसाइड है। किसान साथियों, पिछली बार भी इस टेक्निकल को कई कंपनियों ने दिया था, वैसे तो कह रहे कि ये टेक्निकल हमारा बैन है, इसके ऊपर पाबंदी है, इसके बावजूद भी कंपनियां जो है वो आइसोप्रोटोन को दे रही है। लेकिन पिछली बार जो आइसोप्रोटोन के रिजल्ट थे वो ना के बराबर, मतलब बिल्कुल बेकार थे। कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोप्रोटोन के नाम पे कंपनियां गंद मंद दे रही है, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है, मेट्री डाली हुई है, पता नहीं क्या डाला हुआ है। तो मेरी उन किसानों से विनती है कि आप आइसोप्रोटोन से परहेज करें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारा ये एक्चुअल के अंदर आइसोप्रोटोन ही है तो आप कंपनी की गारंटी के हिसाब से उसे अपने खेत के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप बेकार में अपना जो खर्चा या फिर पैसे हैं वो ख़राब करें। रही बात गारंटी की, शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो आपको बोल दे कि हाँ हर्बिसाइड की गारंटी है, वैसे कोई भी जो कंपनी है वो हर्बिसाइड की गारंटी नहीं लेती है। तो किसान साथियों, आप भली भांति समझ चुके हैं कि आपको क्या क्या करना है। आपको नॉर्मली जो लीडर है उसे यूज़ करना है, अच्छा रिजल्ट रहता है लीडर का, 13 ग्राम लीडर की डोज आपको यूज़ करनी है। और अगर फिर भी आपको कुछ लगे कि मेरी जानकारी मिस हो चुकी है तो कृपया करके आप नीचे कमेंट करना, वहाँ पर भी आपको जो रिप्लाई है वो ज़रूर मिलेगा।